यूएस पे मंडराते हुए रिसेशन के बादल, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें सेफ हेवन असेट्स में देखने मिला। गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे एक्सपायर का है बाइंग का, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर अपना जो इवेंचुअली जो पैसा है यही सेफ हेवन असेट्स में पार्क करेंगे। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें, गोल्ड में 1320 के ऊपर अभी फिलहाल एक्शन देखने मिल रही है। अगर गोल्ड जो है 1320 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है तो हो सकता है आने वाले दिनों में 1340-1350 के डॉलर, $1350 के लेवल्स हमें देखने मिल सकती हैं। सिल्वर की बात करते हैं 15.60-15.80 यहाँ पे सिल्वर हाल फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है, तो हो सकता है उसके ऊपर $16.50 के आसपास सिल्वर जा सकता है। यहाँ पर और एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखने मिला वो था क्रूड के ऊपर, जो जहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न है, इवन तो यहाँ पे सप्लाई का भी कंसर्न है साथ में ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न है, ये दो मिक्स होते हुए हमें देखा क्रूड में एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला। $68 के आसपास जो ब्रेंट स्ट्रगल कर रहा था वो नीचे फिसल के अभी हाल फिलहाल $66.50-$67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये जो न्यूज है उसके चलते हुए क्रूड में थोड़ी मंदी का माहौल देखने मिल सकता है। भारतीय वायदा बाजारों की बात करते हैं, जैसे ही मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सेफ हेवन असेट्स में बाइंग देखने की संभावना है, तो यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते देखने मिल रही है। हाल फिलहाल जो गोल्ड है 32,150-32,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरा ये मानना है यहाँ पे ट्रेडर्स एक पोजिशन बना सकते हैं बाई साइड पे। 31,980 का एक स्टॉप लॉस रखिए 32,500-32,600 के टारगेट के लिए। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर जो हाल फिलहाल 38,475 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर जो एक्शन बनेगी 38,550 के ऊपर बनते हुए देखने मिल रही है। ट्रेडर्स यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, 38,300 का स्टॉप लॉस रखिए, मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ 38,900 चले के 39,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।